कैसे आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले ये देख रहे हो और सब्सक्राइब करें यार, इतने कम सब्सक्राइबर। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस स्केच पे फोटो एडिट्स कर सकते हो, ठीक है। एंड ये फोटो एडिट्स आप बहुत इजीली सीख जाओगे। तो पहले तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ वीडियो देखिए अच्छे से एंड डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आइए ये वीडियो। बाकी आप देख सकते हो कि आप कैसे कैसे फोटो एडिट्स इस पर कर सकते हो, मतलब क्या ही खतरनाक वाले फोटो एडिट्स आप इस पर कर सकते हो, है ना। देख सकते हो सारे फोटो एडिट्स, कितने ही भयंकर भयंकर फोटो एडिट्स हैं, ठीक है। तो यही एडिटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ये प्लस आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड देन इस पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट विथ अ ड्राइंग का कुछ है तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको इतना सारा ऑप्शन पूछता है, तो देखो मैं तो इस HD वाले को यूज़ करता हूँ, आप HD वाले पे ही क्लिक करना। अब ये करने के बाद देखो आप आ जाओगे अपने लेआउट में। देखो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगा, लाइक इरेजर, ये वो जो आपको चाहिए। तो मैं आपको एक फोटो एडिट करके दिखाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे फोटो लाना है। तो ये प्लस वाले आइकन है ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तैसे ही ना आप यहाँ पे आ जाओगे। तो देखो मैं यहाँ आ गया अपने डाउनलोड, तो मैं आ गया अपने डाउनलोड्स पे। तो फॉर एग्जांपल मुझे ना अभी ईजी सा कोई फोटो एडिट चाहता हूँ, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा। सो ये वाला तो मुझे आयरन मैन प्लस सुपरमैन करना है, ठीक है। तो मैं बस आयरन मैन पे फोटो पे क्लिक करूँगा। ये PNG है, देख रहे हो PNG है। तो PNG मैंने कैसे बनाया इसको, एक्चुअली शुरू से ये PNG नहीं था, मैंने एक ऐप से बनाया। तो कौन सा ऐप से बनाया आप, उस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर डाउनलोड कर लो। अब क्या करना है, अब मुझे इसके माथा को हटाना है एंड सुपरमैन का माथा चिपकाना है। तो सिंपली मैं इसे हल्का सा बड़ा करूँगा, हल्लू। एंड ये इंसान वाला आप दिख रहा है जो खिड़की है पीछे, इस पर क्लिक करना है। एंड ये जो आपको चांद दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड अब आपको जितना उड़ाना है ना, जितना उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो हमें इतना उड़ाना है। तो देखो अभी ये सेलेक्ट है ना कि इसको छोड़ के हर चीज़ उड़ा दो। अब अगर आप इस बटन को दबाओगे तो देखो ये जो ब्लैक चीज़ के अंदर होगा, जो ये ब्लैक के अंदर होगा वो डिलीट हो जाएगा, और जो ब्लैक के बाहर होगा वो रह जाएगा। तो लो टिक कर दिया तो डिलीट हो गया। अब ये देखो माथा उड़ गया इसका, ठीक है। अब मेरे पास इस पर टिक करना है। अब यहाँ प्लस पे जाऊँगा, ऐड पिक्चर करते हैं फिर से एंड सुपरमैन का फोटो लेते हैं। देखो ये भी PNG है, ये भी मैंने ऐप से PNG बनाया है, ठीक है। तो वो ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऐप का नाम भी बता देता हूँ। तो ऐप का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। एंड अब इतना कर लेने के बाद बस मुझे अब देखो अब ये वाइट एरिया में है, बाकी सब चीज़ ब्लैक में है। तो बस इसको टिक कर दो, वाइट एरिया वाला रह गया, ब्लैक एरिया वाला चल गया। अब देखो ये बटन दिख रहा है ना, इससे ये आयरन मैन के सूट के पीछे चला जाएगा, ठीक है। दिख रहा है पीछे चला जाएगा, तो हमें पीछे करना है, नहीं पीछे नहीं करना है। तो ये देखो हल्का सा बड़ा, हल्का सा तो ऐसे टिक कर देंगे। अब देखो ये गैप छूट रहा है, ठीक है। इस गैप को कैसे सुधारे, तो बस आपको इस यहाँ पे दबाना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आइकन दिख रहा है ना यहाँ पे दबाना है। यहाँ कभी इरेजर छपा रहेगा, जो आपने चूज़ कर रहा है वो छपा रहेगा। एंड देन ब्लेंडर पे क्लिक करना है, ब्लेंडर पे क्लिक करके यहाँ से इसके स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर लो। यहाँ ऊपर देखो कलर में पता चल जाएगा कि कितना ये ब्लेंड करेगा। तो मुझे इतना ब्लेंड चाहिए, साइज छोटा चाहिए, इतना छोटा। एंड देन इससे क्या करना है, जो खाली एरिया वहाँ पे देखो ऐसे 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 ब्रश को चला देना है। अब देखो बड़ा करूँगा तो ब्लेंड हो गया, लेकिन देखो मज़ा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने बड़ा कर दिया। तो इसे हम इरेज भी कर सकते हैं, देखो ऐसे। तो फिर से हम इस पर जाएंगे, साइज को और छोटा करते हैं एंड इसको ऐसे। अब यहाँ से अच्छा नहीं हो रहा, तो पहले ये मार्कर चूज़ करो, एक कट करो। एंड आपको कौन सा स्किन कलर चाहिए, ये स्किन कलर चाहिए, तो ये स्किन कलर लो एंड इससे हल्का हल्का 1-2-3 धब्बा दो, फिर वापस से ब्लेंडर लो एंड अच्छे से ऐसे मिक्स कर लो, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब लग रहा है ना, सही लग रहा है, ठीक लग रहा है। अब देखो अब मुझे इस आयरन मैन के सूट को ब्लू करना है, तो मैं इस आयरन मैन के सूट पे लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो ये ब्लैक सा इफेक्ट आएगा। एंड देन इस पर क्लिक करना है, देखो हल्का देर तक क्लिक करके रखो, हल्का देर तक दबा के रखूँगा तो यहाँ हो करके भी आएगा, तो बस इस हो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप इसका हो सेलेक्ट कर सकते हो, इतने सारे कलर का ऑप्शन मिल रहा है। तो मुझे इसे ब्लू करना है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो ये हो -33 पे जो है मुझे ये ब्लू मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। अब सिचुएशन से क्या होगा, इससे मैं इसके कलर को बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ, पूरा ब्लैक एंड वाइट या बढ़ा सकता हूँ। ब्राइटनेस से इसका ब्राइटनेस कंट्रोल होगा कि कितना ब्राइटनेस है, ठीक है। तो ये मैं 0 ही रखता हूँ। एंड या ओपेसिटी कि कितना दिखेगा, पूरा कम, पूरा कम, पूरा या कम, तो पूरा दिखेगा, ठीक है। एंड इसको दबाऊंगा तो ये मुड़ जाएगा, इसको दबाऊंगा तो सीधा हो जाएगा। एंड ये इससे डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर मत दबाना। एंड अगर सेटिंग पे दबाओगे तो ये ब्राइटनेस का है, ठीक। कलर चेंज कर लिया। अब आपने देखा होगा मैं इस पर एक ग्लोइश इफेक्ट देता हूँ, तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे दबाना है, इधर करना है। एंड ये देखो ये जो दिख रहा है ना मार्कर, इस पर दबाओगे तो आपको यहाँ देखा हुआ आएगा ग्लो। तो कौन सा कलर यूज़ करता हूँ मैं, तो इस पर दबाइए ना, जैसे दिखाता हूँ ये जो आइकन है इस पर दबाइए। तो यहाँ ये कटर के जो नीचे ब्लू है इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं एंड देन अच्छे से जूम करके कलर कर देता हूँ, ठीक है, बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ से आप इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितना बड़ा रहना चाहिए एंड यहाँ से ओपेसिटी भी कितना दिखेगा। मैं तो हमें सब फुल ही रखता हूँ, ठीक। अब आप ठीक है, इतना सी जान गया आप कैसे करना है। अब मैं हल्का और एडिटिंग कर ही लेता हूँ तो ठीक है। अब
आपको इसके हाथ में कुछ, फॉर एग्जांपल आपको इसको थोर का हथौड़ा देना है, तो बस इसको क्या करो, तो देखो मेरे पास इसका भी पीएनजी है, ठीक है पीएनजी देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपका नाम, देखो यहाँ इरेजर है ना, ये यहीं पे सेव होता है उसके सारे फोटो, तो ये देखो इसका पीएनजी है ना मेरे पास इसके हथौड़े का, यानी स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का, बस मैं इसको लूँगा, इसको हल्का देखो इसको दबाऊंगा तो ये मुड़ जाएगा सीधा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सीधा लगा के मुड़ जाएगा, ठीक तो ऐसा रखना है मुझे, एंड अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है फिट, ठीक है तो इसको क्या करेंगे सिंपली इसको, तो इसको ऐसे मोड़ देंगे एंड इधर दे देंगे, एंड अब देखो इस पर जूम करके देखो इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा, फिर इस पर दबाऊंगा, फिर इस पर दबाऊंगा, जितना उड़ाना है उतना सेलेक्ट करूँगा, देखो इतना पकड़ा, देखो अब लग रहा है ना कि हाथ में पकड़ा है उसने, लग रहा है कि नहीं, तो ऐसे आप कर सकते हो, बाकी देखो एक फ्लेम का था, देखो इस फ्लेम को आप चूज करके, तो इसमें और भी बहुत ही ऐसे चीज़ें हैं तो जो आप देख सकते हो, ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।